वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ कुछ करना पड़ेगा, जीतने को थोड़ा लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। नमस्कार फ्रेंड्स, एक इंसान जो मैथ्स के एग्जाम देता है और उसमें आउट ऑफ 120 उसको 1 मार्क्स मिलते हैं, वही इंसान मिडिल स्कूल में कई बार फेल होता है। उसी इंसान को होटल में वेटर के जॉब के लिए कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो इंसान बहुत सारे जॉब्स को अप्लाई करता है पर उसमें भी उसे रिजेक्शन ही मिलती है। KFC में इंटरव्यू के लिए 24 कैंडिडेट्स पहुंचते हैं, वहां पर सबका सिलेक्शन हो जाता है पर अफसोस सिर्फ उसी आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है अलीबाबा। इसको डंकन क्लार्क्स ने लिखा है। ये बुक हमें जैक मा की इंस्पिरेशनल जर्नी को बताती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैक मा का जन्म 10th सितंबर 1964 को होंजू शहर में हुआ था। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बचपन से ही उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो मार्क ट्वेन के लिखे हुए नॉवेल्स पढ़ते थे। जब वो 14 इयर्स के हुए तब उनके शहर में US से घूमने के लिए काफी सारे टूरिस्ट आने लगे। जैक ने सोचा कि इंग्लिश सीखने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका ही नहीं है, इसलिए वो रोज सुबह 5 बजे उठते और अपने साइकिल से 40 किलोमीटर दूर जाकर सारे टूरिस्ट के होटल के बाहर फ्री में टूरिस्ट गाइड बनकर घूमते रहते। इसके बदले में उन्होंने टूरिस्ट से इंग्लिश सीखा। ये काम उन्होंने 9 साल तक किया। चाहे आंधी आए, तूफान आए या बारिश आए, किसी दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की। जैक मा कहते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस में ट्राई किया पर किसी भी कॉलेज में उनकी एडमिशन नहीं हुई, तो फाइनली उन्होंने एक सबसे थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के बाद वो इंग्लिश टीचर की जॉब करने लगे। 1994 में जैक जब 29 ईयर्स के हुए तब उन्होंने होप ट्रांसलेशन एजेंसी खोली, जिसका काम था इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश सिखाना। उस वक्त जो उनके एम्प्लॉई थे वो सिर्फ 5 लोग थे, वो भी रिटायर्ड टीचर्स थे। उन्होंने जो रूम रेंट पर लिया था होप ट्रांसलेशन एजेंसी के लिए, उसका मंथली किराया $300 था, पर जनरली उनकी मंथली इनकम $20 ही होती थी। सर्वाइवल के लिए उन्होंने टीचिंग के साथ साथ गिफ्ट्स, फ्लावर्स, बुक्स और कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी सेल करने लगे। 1994 में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वो US जाते हैं और वहां पर पहली बार उन्होंने इंटरनेट को देखा। जब उनके फ्रेंड्स ने बोला कि क्यों ना इंटरनेट में कुछ भी आप टाइप करो, तो पहली बार उन्होंने बियर टाइप किया। बियर टाइप करते ही डिस्क्रिप्शन में अमेरिकन बियर, जर्मन बियर सारी डिटेल्स आ गए, पर वहां पे चाइनीज बियर की कोई भी डिटेल नहीं आई थी। तभी उन्होंने इंटरनेट के पोटेंशियल को समझ लिया और चाइना लौटकर उन्होंने चाइना पेजेस लॉन्च कर दी, जो कि एक येलो पेज साइट है, पर इसको भी वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। आखिर अपने दोनों बिजनेस फेल हो जाने के बाद जैक मा ने अलीबाबा, जो कि एक इंटरनेट रिटेल कंपनी है, उसको एस्टेब्लिश की। अलीबाबा की सक्सेस हम इसी से पता लगा सकते हैं। 2014 में जब IPO लॉन्च किया गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, अलीबाबा ने $25 बिलियन रेज किया था। अलीबाबा की नेटवर्थ अमेजोन और ईबे से भी कहीं ज्यादा है और चाइना के ग्रोथ में अलीबाबा का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए हम जानते हैं जैक मा से सक्सेस सीक्रेट्स, जिसके करने के वजह से उन्होंने अलीबाबा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैक मा कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सेल करना है या सक्सेस पाना है तो किसी भी एक स्किल में मास्टरी कर लें, चाहे आप में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, पर आप उस एक स्किल से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जैक मा को इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसको सीखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और इंग्लिश के वजह से ही उन्हें US जाने का मौका मिला और वहां पर उन्हें इंटरनेट जानने का मौका मिला और उसी के वजह से अलीबाबा आज एग्जिस्टेंस में आया। अलीबाबा को स्टार्ट करने से पहले जैक मा ने 2 बिजनेस स्टार्ट किए थे पर दोनों में फेल हो गए। कई जगह फेल होने के बाद भी वो कभी भी हारे नहीं और निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसलिए जैक कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करेंगे तो चांसेस है कि आप जरूर अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। वेन्स हमारे बॉडी में ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन और हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, इसीलिए वेन्स हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारे किसी भी वेन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए
अलीबाबा सिक्स वेन्स प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसमें सबसे पहला है कस्टमर फर्स्ट। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या बिजनेस के लिए कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर की वजह से ही बिजनेस के सक्सेस और फेलियर डिसाइड होती है। सेकेंड है टीम वर्क। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें टीम की जरूरत पड़ती है। एक अकेला आदमी कभी भी बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, इसलिए जैक मा टीम बिल्डिंग में बहुत फोकस करते थे। थर्ड है एम्ब्रेस चेंज। हम एक तरह का काम करते करते हमेशा बोर हो जाते हैं, और ये एम्प्लॉइज के साथ भी होता है। अलीबाबा में जैक मा ने पीरियोडिक बेसिस पे अलग अलग पोजीशन पर रोटेशन करवाने के सिस्टम रखी है। इससे फायदा ये होता है कि नई पोजीशंस और नए जगह पे काम करने से एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ होती है, और उससे कंपनी का बेनिफिट भी जरूर होता है। इंटीग्रिटी, ये फाउंडेशन है कोवर्कर और कंपनी के रिलेशनशिप ट्रस्ट को बेटर बनाने के लिए, और ये तभी अचीव हो सकता है जब हम सबके बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन हो। जैक मा पैशन पे बहुत फोकस करते थे, क्योंकि पैशन की वजह से ही हर एम्प्लॉय अपने ड्रीम को अटेंड करेगा, जिसके लिए वो हमेशा आगे बढ़ते ही रहेगा। इसलिए उनके लिए पैशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। और कमिटमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय में एक लैक ऑफ कमिटमेंट हो तो वो कंपनी को ऊंचाई के बदली डाउनग्रेड कर सकता है। सिक्स वेन्स के बाद अलीबाबा का एक और बिजनेस सीक्रेट था, उसको हम कहते हैं आयरन ट्रायंगल। इस आयरन ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और फाइनेंस। किसी भी सामान को खरीदने के लिए ई कॉमर्स, जैसे कि अलीबाबा एक वर्चुअल शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसीलिए अलीबाबा ट्रायंगल का एक पार्ट है। लॉजिस्टिक्स, जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेस तभी हो सकती है जब कंपनी सामान एक जगह से दूसरे जगह टाइमली और सेफली पहुंचा सके, इसलिए सेकंड ट्रायंगल का पॉइंट है वो है लॉजिस्टिक्स। एंड थर्ड है फाइनेंस। अगर फाइनली ई कॉमर्स की शॉपिंग तभी स्केल हो सकती है जब हम कस्टमर को पेमेंट करने का इजीएस्ट तरीका दें। आइए हम जानते हैं जैक मा के फेमस कोट्स। आप अपने ड्रीम पर और खुद पर भरोसा रखें और हमेशा आगे बढ़ते चलें। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहे तो दूसरों से ट्रिक्स और नई स्किल सीखें, पर अपने सपनों को कभी चेंज मत करें। अगर एक प्लेग्राउंड में 9 रैबिट्स हैं और आपको उसमें से एक को पकड़ना है, तब आप सिर्फ उसी रैबिट पर फोकस करें। चाहे तो आप न्यू टैक्टिक सीख लें, लेकिन रैबिट को कभी चेंज ना करें। जैक मा के लिए कस्टमर हमेशा फर्स्ट है, सेकंड एम्प्लॉई और थर्ड शेयर होल्डर्स। जैक मा कहते हैं, हो सकता है आज बहुत पेन से भरा हो, ये भी हो सकता है कि कल उससे भी ज्यादा ब्रूटल हो, पर अगर आप निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे तो आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 4 अप्रैल को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल कोच। थैंक यू सो मच।